51 गेंदों पर 225 रनों की तूफानी पारी खेलकर क्रिकेट जगत में कोहराम मचाया। एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले टीम पाकिस्तान में आया दुनिया का नंबर वन युवा सिक्सर किंग। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन सा है वो तूफानी खिलाड़ी जिसने महज 51 गेंदों पर ठोका दोहरा शतक। अब एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए खटखटा रहा है पाकिस्तान के दरवाजे। बताएंगे आपको उस धाकड़ खिलाड़ी का नाम इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम को इस साल दो बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं जिसमें वनडे विश्व कप और एशिया कप शामिल है। एशिया कप तो पाकिस्तान की ही मेजबानी में खेला जाना है जिसके लिए पाकिस्तान की टीम ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। पाकिस्तान की टीम एशिया कप के खिताब को जीतने के लिए अपनी स्क्वाड की तैयारियों में जुटी है। हालांकि पहले से ही पाकिस्तान की टीम में कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम में एक ऐसा धाकड़ खिलाड़ी शामिल होने जा रहा है जिसने हाल के दिनों में महज 51 गेंदों में 225 रनों की तूफानी पारी खेलकर क्रिकेट जगत में कोहराम मचा दिया है। दरअसल हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा सैफ बदर है। सैफ बदर ने हाल के दिनों में T20 फॉर्मेट में महज 51 गेंदों पर दोहरा शतक ठोककर हर किसी को अपना फैन बनाया है और अब सैफ बदर के इसी शानदार फॉर्म को देखते हुए उन्हें वनडे विश्व कप और एशिया कप के लिए पाकिस्तान की टीम में शामिल किए जाने की मांग तेज हो गई है और वो अब हमें खेलते हुए भी नजर आएंगे। एशिया कप और वनडे विश्व कप में सैफ बदर पाकिस्तान टीम के लिए एक फिनिशर की भूमिका में नजर आ सकते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मैच जीतने के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि T20 क्रिकेट में महज इतने कम गेंदों पर दोहरा शतक ठोकने वाले सैफ बदर एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के लिए कैसा प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।